हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 का जो है बेटा आगे वाला पार्ट रिमेनिंग पार्ट जो है बेटा उसे कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम लोग जो है बेटा सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं हमारे टॉपिक मेल न्यूट्रिशन से। अगर जो है बेटा मैं बात करूं मेल न्यूट्रिशन की कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो सुनिए बेटा, मेल न्यूट्रिशन जो है बेटा एक्चुअल में अगर कोई पर्सन जो है सफिशियंट अमाउंट के अंदर फूड तो जो है कंज्यूम करता है, लेकिन सफिशियंट अमाउंट के अंदर जो है बेटा फूड कंज्यूम करने के साथ साथ जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है बेटा वो उस फूड के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट मींस वो फूड जो है वो डेली बेसिस पे जो है बेटा कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो फूड वो खा रहा है उसके अंदर जो है बेटा प्रॉपर अमाउंट के अंदर जो है बेटा न्यूट्रिशन और मिनरल्स जो है बेटा वो प्रेजेंट नहीं है। इस सिचुएशन के कारण जो है बेटा कई बार किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की जो है बेटा बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसे जो है बेटा मेल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग हिंदी में बात करें बेटा, तो न्यूट्रिशन को जैसे कहा जाता है पोषण, तो बेटा मेल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया एक तरीके से कुपोषण। दूसरा वर्ड आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है बेटा वो है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें कि अंडर न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, तो देखिए बेटा, अगर कोई पर्सन जो है वो खाना ही जो है वो प्रॉपर जो है नहीं खा पाता हो, कम खाने को अगर उसको मिलता हो, और ये ऐसा जो है बेटा सिचुएशन कब आती है, जब या तो किसी व्यक्ति के पास में जो है बेटा वक्त ना हो, या फिर जो है बेटा कोई व्यक्ति जो है वो बहुत गरीब हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिच जो है डाइट जो है उसे कंज्यूम नहीं कर पाता है। इवन जो है वो फूड भी जो है टाइम टू टाइम इंटेक नहीं कर पाता है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है बेटा, इसे अंडर न्यूट्रिशन जो है बेटा कहा जाता है। अब इसके बाद में जो है बेटा हम लोग बढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज की ओर। तो डेफिशिएंसी डिजीज जो है बेटा एक्चुअल में क्या होती है, एक्चुअल में जो है बेटा कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी के कारण कोई स्पेसिफिक डिजीज जो है बेटा होने लगती है। और ये मेल न्यूट्रिशन जो है बेटा जो डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो मेल न्यूट्रिशंस के कारण होती है। और मेल न्यूट्रिशंस किस किस तरीके के पॉसिबल है, जैसे प्रोटीन जो है बेटा मेल न्यूट्रिशन हो गया, विटामिन मेल न्यूट्रिशन हो गया, और साथ ही साथ जो है बेटा अगर हम लोग बात करें अगर मिनरल मेल न्यूट्रिशन भी जो है बेटा पॉसिबल है। तो इस तरीके के अगर जो है बेटा न्यूट्रिशंस जो है वो नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर अमाउंट के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को, तो जो है बेटा वो कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। जैसे कई सारे विटामिन्स नहीं मिल पाने के कारण जो है बेटा जो बोन्स होती है वो बैंड हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत रहती है। अगर जैसे हम लोग बात करें बेटा प्रोटीन की, प्रोटीन नहीं मिल पाने के कारण जो है बेटा क्वाशरकोर और मेरिस्मस नाम की डिजीज जो है बेटा होती है। मिनरल्स नहीं मिल पाने के कारण जो है बेटा आप लोगों के पास में जो है थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, या फिर जो है बेटा हम कहें कि एनीमिया जैसी प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इन सभी जो है बेटा चीज़ों से बचने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो है बेटा बैलेंस डाइट जो है वो हम लोगों को कंज्यूम करनी चाहिए। अब जो है बेटा हम लोग बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस की कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है बेटा आप लोगों को दी हुई है। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहली डेफिशिएंसी डिजीज जो है बेटा वो बता रखी है क्वाशरकोर। क्वाशरकोर जो है बेटा ये प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसके क्या क्या जो है बेटा सिम्टम्स हैं, स्टंट ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोक देती है, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्ब्स, फेस और लिम्ब्स रीजन के अंदर जो है बेटा स्वेलिंग सी जो है वो आने लगती है। साथ ही साथ जो है बेटा हेयर्स जो है वो डिसकलर होने लगते हैं, डेट मीन्स जो है बेटा उनका कलर गायब होने लगता है, थिनिंग ऑफ लेग्स एंड प्रॉडलिंग बैली। और साथ ही साथ जो है बेटा टांगे जो है वो आप लोगों की जो है बेटा पतली होने लगती है, और साथ ही साथ जो है बेटा आप लोगों को लिखा हुआ है प्रोट्रूडिंग बैली, यानी कि जो है बेटा बैली फैट जो होता है वो भी इससे डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप लोगों को जो है बेटा आगे बता रखा है मेरिस्मस। मेरिस्मस की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो यहाँ बता रखा है ये भी जो है बेटा प्रोटीन की जो है वो डेफिशिएंसी के कारण, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी है बेटा तो उससे भी जो है आप लोगों को मेरिस्मस डिजीज को जो है बेटा फेस करना पड़ता है। इसके अंदर जो है बेटा चाइल्ड जो है वो लीन और थिन, यानी कि जो है बेटा बिल्कुल पतला हो जाता है, कंप्लीट और पार्शियल अरेस्ट जो होता है बेटा ग्रोथ हो जाती है, यानी कि जो है बेटा ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ जो है बेटा आप लोगों को दे रखा है लैक ऑफ मूवमेंट बाय द चाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, और जो है बेटा मूवमेंट जो है वो नहीं होता है क्योंकि एनर्जी का अमाउंट जो है बेटा बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाता है। तो इसी के साथ जो है बेटा हम लोगों ने हमारा सेकंड चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट किया। इसके बाद वाले पेजेस पे जो है बेटा एक टेबल दी हुई है जिसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स
और उनके सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में जो है बेटा बताया गया है, और साथ ही साथ सिम्टम्स ऑफ डिजीज के बारे में भी बताया गया है। तो वो जो है बेटा आप लोगों को अपने आप से पढ़नी है। अगर आप लोगों को उसमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोगों को जो है बेटा मुझसे पूछना है। अब जो है बेटा हम लोग अगली क्लास के अंदर जो है बेटा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे सिलेबस का जो है बेटा चैप्टर नंबर 3 है, वो किसके ऊपर बेस्ड है। अगर हम लोग जो है बेटा बात करें हमारे सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 पे, तो ये जो है बेटा आप लोगों के पास में बेस्ड है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि किस तरीके से फाइबर से फैब्रिक्स की फॉर्मेशन होती है, इसके ऊपर जो है बेटा आपका ये चैप्टर नंबर 3 जो है बेटा बेस्ड है। साथ ही साथ जो है बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, चैप्टर नंबर 2 के बाद में जो है एक बहुत बड़ी सी एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को दी हुई है। आप लोगों को कोशिश करनी है पहले उसे अपने आप से जो है बेटा सॉल्व करने की, और अगर कहीं भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है बेटा मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में।